जो प्रिंसी में क्या होता है कि इमरजेंसी का जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो बहुत जल्दी बीपी प्रेशर में जल्दी ड्रॉप कर जाएगा। तो सर बता रहे थे कि ईपी और ऑटो एक दूसरे का अपोजिट काम करता है सर। ईपी और ऑटो, देखिए ईपी ब्रेक है क्या चीज, ईपी ब्रेक में हमारा कहीं लीकेज नहीं करेगा, तो ईपी का टेस्टिंग अगर हम लोग करेंगे तो लीकेज नहीं करेगा ईपी। सुनिए हम हमारी बात सुनिए पहले, ऑटो ब्रेक में हमारा क्या होता है कि हम मेन कंप्रेसर जो प्रेशर है वो हमारा 7 kg है, उसको हम कन्वर्ट करा देते हैं 5 kg में, तो 5 kg से हमारा जो पाइपलाइन चार्ज होता है उसको हम ब्रेक पाइप बोलते हैं, ब्रेक पाइप प्रेशर है ना, तो उससे हम जो भी ब्रेक अप्लाई करेंगे वो हमारा ऑटो ब्रेक अप्लाई होगा। हाँ, और ईपी ब्रेक क्या होता है कि हमारा मेन कंप्रेसर जो 7 kg प्रेशर देता है वो हमारा वो मेन कंप्रेसर का प्रेशर हमारा डायरेक्ट जाता है, इसी कारण हमारा मतलब तो वो हमारा क्या होता है कि हर कोच में हमारा MR टैंक लगा हुआ है, है ना, और डायरेक्ट जैसे हम यहाँ से सप्लाई देते हैं वो सभी कोच का हमारा मैग्नेट वाल्व होता है खुल जाता है एक साथ, इसीलिए हमारा ईपी ब्रेक बहुत जल्द वो लग जाता है। अच्छा सर, ये ईपी ब्रेक का टेस्टिंग कैसे करते हैं? ईपी ब्रेक का टेस्टिंग हम जनरली हम यही से करते हैं, मीटर से देख के करते हैं। कैसे होता है? हम ईपी में लाए तो ये हमारा गेज है, ब्रेक सिलेंडर का गेज, तो हमारा मोटर कोच में हम सेट करके रखते हैं 1.6 kg, और ट्रेलर कोच में रखते हैं 1.8 kg। अच्छा, है ना, जैसे इसको हम ईपी पे लाएंगे ये हमारा 1.6 kg नहीं शो करेगा, नहीं शो करेगा तो ठीक है। हाँ, ये शो करेगा और फिर पीछे भी हमारा अप्लाई होगा, तो पीछे का हम देख नहीं सकते, सिर्फ इस मोटर कोच का हम देख सकते हैं 1.6, ट्रेलर का 1.8, ट्रेलर कोच में 1.8 रहेगा। ट्रेलर कोच का कैसे पहचानेंगे सर? यहाँ पर ट्रेलर कोच इसमें नहीं, पीछे ना ट्रेलर, ट्रेलर कोच में नहीं आएगा। ट्रेलर कोच में क्या होता है, किसी में आपका गेज होगा, किसी में आपका गेज नहीं होगा, तो गेज में आपका अगर ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो आपको उसमें पता चल जाएगा कितना। अच्छा, 1.6 अगर आएगा तो मतलब सही है वर्किंग में कंडीशन में। सर कल एक ही बताया था कि एयर स्प्रिंग रहेगा तो यही थी 1.8 हो जाता है, ऐसा है क्या? एयर स्प्रिंग होता है तो आपका जो मोटर कोच में 1.8 हो जाता है और ट्रेलर कोच में जो है 2.0। एयर स्प्रिंग वाला में आपका बहुत में आपका फीवा दिया हुआ है, तो अलग चीज है ना, फीवा अलग चीज है, वो अलग चीज है, अलग नहीं। इसके बारे में बताया कि इसका जो प्रेशर डाउन होता है वो 0.2 से बढ़ जाता है। फीवा के बारे में बताए होंगे, एयर स्प्रिंग में आपका फीवा में क्या होता है कि हमारा MR प्रेशर की लिमिट से अधिक अगर हमारा ड्रॉप करने लगता है तब हमारा फीवा वहाँ से हमारा बीपी प्रेशर ड्रॉप करने लगेगा और गाड़ी ऑटोमेटिक हम कंट्रोलर बोलते हैं, इसको BL बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक अमर चाबी यहाँ पे लगती है, इसको हम बोलते हैं BIVS, ब्रेक एस्पिरेटिंग वाल्व स्विच, ठीक है। तो इसका हमारा दो काम होता है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा MR प्रेशर जो 7 kg बना हुआ है वो हमारा 5 kg में कन्वर्ट होने लगता है। ऑन कैसे होता है? बीपी में कन्वर्ट। ऑन कैसे होता है? इसमें हम चाबी डालते हैं, इसको ऊपर की तरफ हम पुश करके रखते हैं, धक्का देके चाबी को आगे कर आगे कर देते हैं। टोटल 4 की होगा ना सर? नहीं, 3 की हो गया, BL की हो गया। इसमें हम चाबी डालने के बाद ऊपर की तरफ हम ढकेल देते हैं, हमारा ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा तो यदि मान के चलिए कि ये हमारा MR गेज है, MR गेज है ये, तो 7.5 के लिए जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा एक बीपी गेज होगा तो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 5 kg तक जाएगा। MR का गवर्नर पे निर्भर करता है, गवर्नर कितने पे सेट किया हुआ है, वो 7 पे भी कटेगा, 7.5 पे भी कटेगा, 7.25 पे भी कट सकता है। मेनली 7 से नीचे नहीं होता, 7 से नीचे नहीं आएगा। जनरली हम 7.5 से 7.75 और 8 के बीच ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा BIVS हो गया। इसमें हमारा क्या है कि MR हमारा क्या होता है, बीपी में कन्वर्ट होता है जब हम इसको ऑन करते हैं। अच्छा, और दूसरा क्या है कि जब हम सीक्वेंस लेते हैं तो उसका हमारा एक सप्लाई है BIVS के रोकर में, वो हमारा कॉन्टेक्ट में आता है। यदि BIVS हम ऑन नहीं करेंगे तो हमारा नोचिंग सीक्वेंस पूरा नहीं होगा। तो नोचिंग सीक्वेंस पूरा करने के लिए हमको BIVS लगाना जरूरी है, तभी हो पाएगा, ठीक है।
गाड़ी को ब्लैक वाला स्विच क्या है सर? फॉरवर्ड और बैक और रिवर्स बेल किसके लिए दिया जाता है सर? गार्ड के लिए, गार्ड जो कंटिन्यूटी वगैरह बीच में से करता है, गार्ड वगैरह के लिए, गाड़ी रोकने के लिए। ये सर ये वार्निंग लाइट सर क्या है? वार्निंग लाइट किसके लिए? वार्निंग लाइट ये है कि आपका इसमें एक है आपका संट नोच होता है जी, है ना? तो संट नोच में हम क्या करते हैं ना कि इसको अगर संट में हमको लगाना है तो इसको कर देंगे तो संट से हमका हाफ में नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, खाली संटे में खाली स्पीड लिमिट तो दो ही नोच पे काम करेगा। अच्छा, ये मतलब ऐसे कर सकती है, ऑन हो जाता है ना? हाँ, ऑन हो जाएगा, दो ही नोच पे काम करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। अभी हमारा नहीं काम करता है, नहीं ठीक है। बात नहीं है, टैप चेंजर से टैपिंग लेता है और मेन रेक्टिफायर में डालता है ना, मेन रेक्टिफायर से निकलता है हमारा सप्लाई, हमारा एसएल में चला जाता है, स्मूथ ही रिएक्टर में। डीसी में कुछ कंपोनेंट होता है, ये जो हमारा एसी सप्लाई रेक्टिफायर में घुसने के बाद यहाँ से हमारा डीसी सप्लाई बनकर निकलता है। डीसी में कुछ एसी रहता है, उसको एसी का कुछ अगर रिपल्स रहता है तो हमारा एसएल क्या करता है उसको छानता है, मतलब प्योर डीसी बना देगा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ से आ जाता है एएसएल, यहाँ भी कुछ छान देता है स्मूथ रिएक्टर में, ये भी कुछ छान देता है। इसके बाद हमारा चला जाता है ओवरलोड, है ना? तो ओवरलोड टीएम वन के लिए हमारा ओवरलोड वन, हम इसको ट्रैक्शन मोटर वन के लिए। उसके बाद हमारा ये कॉन्टेक्टर है, ये आपका कॉन्टेक्टर है ट्रैक्शन मोटर वन का। अच्छा, ये पॉजिटिव साइड में आपका कॉन्टेक्टर है और ये हमारा नेगेटिव साइड में कॉन्टेक्टर है। हाँ, और हमारा सीएलआर करंट लिमिटिंग रिले है ना? तो ये ट्रैक्शन मोटर जो है हमारा कितना करंट वो ले रहा है, यदि ज्यादा करंट लेगा तो सीएलआर क्या हो जाएगा, मतलब ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। तो ये कंट्रोल यही काम करता है, समझ गए? एकदम समझ, तो समझ गए ये, ठीक है? तो इसी तरह हमारा टीएम टू के लिए सर्किट बनेगा, टीएम थ्री के लिए बनेगा, टीएम फोर के लिए बनेगा एक मोटर के लिए। अच्छा सर, ये चीज तो सब समझ में आ गया, इसको मतलब कि सुनिए हम बता रहे हैं, इसमें हमारा जो डीसी सप्लाई जो दिया हुआ है क्वाइल में, क्वाइल में जो डीसी सप्लाई दिया हुआ है ये कंट्रोल स्विच के द्वारा ही हमारा जाता है। अच्छा, यदि इसका टारगेट हमारा गिर जाता है तब हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्विच को हम ऑफ कर देते हैं और ओवरलोड को रिसेट करते हैं, तो ये टारगेट हमारा क्या होता है, सटता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए,